आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रा ज्ञान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आइए आज हम लोग 10th क्लास यूपी बोर्ड का जो है हिंदी का पहला पद्य का चैप्टर करते हैं। तो पद्य में सबसे पहले आपका सूरदास जी का है सूरसागर, उससे पद लिए गए हैं। उस चैप्टर का आपका पाठ का नाम है पद। तो उसका पहला पद्यांश है चरण कमल बंधो हरिराय वाला। तो और इसमें शब्दार्थ आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा। पहले इसकी व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग ये लिखने को आता था, लेकिन वर्तमान में आता अभी भी है लेकिन दूसरे तरीके से आता है। आपको एक पद दे दिया जाएगा, उसके दो प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसका उत्तर लिखना होता है, ठीक है। तो एक में आपसे संदर्भ पूछ लिया जाता है और दूसरे में रेखांकित भाग की आपसे व्याख्या पूछी जाती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे वही काम कराया जाता है लेकिन कुछ दूसरी तरह से। तो आइए हम आज पूरे 11 के 11 पैराग्राफ पढ़ेंगे और उन्हें सीखेंगे, अच्छे से उनकी व्याख्या करेंगे। तो पहले आपको पता है कि जो ये पद है ये किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तो आपकी जो काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है। किससे? आपकी जो हिंदी की पुस्तक काव्य खंड है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक का मतलब जो पढ़ाई वाली आपकी पुस्तक है, के पद शीर्षक से उद्गृत है। पद नाम का एक चैप्टर है ये, जो कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सूरदास जी ने एक सूर सागर लिखा था, उससे वो महाकाव्य है, उससे ये लिए गए हैं, ठीक है। उसके अंदर एक पाठ है पद, उससे उठाया गया है। तो ये क्लियर है आपका, आइए शुरू करते हैं हम लोग। चरण कमल बंधौ हरि राइ, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। तो क्या मतलब हुआ इसका? चरण कमल बंदौ हरिराई, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं सूरदास, उनके संदर्भ में इन्होंने लिखा। चरण कमल, जो चरण हैं वो कैसे हैं? कमल जैसे हैं। देखिए, कमल जैसे नहीं, कमल ही हैं, क्योंकि सा सी इस तरीके का कोई तुलनात्मक शब्द नहीं लगा है। चरण कमल यानी कमल वाले चरण या कमल चरण। बंदौ हरि राइ, महिमा का चित्रण करते हुए कह रहे हैं, वंदना भी कर रहे हैं, मैं वंदन करता हूं ऐसे चरण कमलों को, ठीक है। तो इसकी व्याख्या में आपको अपने शब्दों में लिखा होना होता है, शब्दार्थ नहीं निकालना होता। तो चरण कमल बंदौ हरि राइ, तो जब आप इसको अपनी कॉपी पे लिख रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से शायद लिख रहे होंगे कि श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदौ हरि राइ, एग्जैक्ट आप शब्दार्थ निकालेंगे तो आपको तो इतना ही निकला कि कमल रूपी चरणों का मैं बंदन कर, हे भगवान, मैं आपका हरि, मैं आपका बंदन करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से उसको लिखना है कि जैसे आप अपनी भाषा में उसको अच्छे से समझा रहे हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघै, जिसकी कृपा से, ठीक है, जिसकी, अच्छा एक चीज और, चरण कमल बंदौ हरि राइ, तो कहाँ पर हम लोग थे? जाकी कृपा पंगु गिरि लांघै, तो ऊपर वाले का तो अर्थ क्लियर है, फिर ज़्यादा डिटेल में वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे क्योंकि पूरे हमको 11 करने हैं। जा की कृपा पंगु गिरि लांघ है, जिसकी कृपा से, पंगु माने जो लंगड़ा है व्यक्ति, विकलांग है, गिरि माने पर्वत, लांघ है यानी लांघ जाता है, फांद जाता है, पार कर जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, ठीक है। इनकी महिमा जो है कैसी है? अपरंपार है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है और अंधे व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगते हैं, उनको दिखाई देने लगता है, और बहिरो सुने, और बहिरा भी सुनने लगता है, गूंगा पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति जो है वो भी फिर से बोलने लगता है, पुनि माने बोलना, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक होता है गरीब व्यक्ति, ठीक है ना, तो वो भी अपने सर पर जैसे राजा लोग छत्र खा कर चलते हैं ना, तो धारण करके उसी तरह से वो भी चलने लगता है, गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी ये कह रहे हैं, सूरदास स्वामी करुणा में,
सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बार बार बंदों त्यपाई, बार बार ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से इसको आप सुनिए, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अगला दूसरा है, अबगति गति कछु कहत न आवे। अबगति अभिगत, सॉरी गलत पढ़ दिया हमने, अभिगत अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को आगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगति, बिनु निरलम्बन कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातय, सूर सगुण पद गावे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो वो क्या है, सगुण शाखा के, मतलब जो सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसकी साधना करना जानते हैं, जिसका आकार नहीं है, निरंकार ब्रह्म की पूजा नहीं करते हैं, तो उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। ठीक है, अज्ञात और अभिगत माने अज्ञात और निराकार, और गति स्थिति या दशा अंतर, ये तो फिर बाद में आ गए हम लोग। तो अभिगति कछु कहत न आवे, ऐसे निरंकार व्यक्ति की कुछ दशा बताते हुए नहीं समझ में आता है, कठिन है बात करना। ठीक है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भाव है, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति जो है मीठे फलों का रस खुद ही अपनी अंतर आत्मा में, हृदय में ही उसका स्वाद ले पाता है, ठीक है, और उसका वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म है कि भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद अमित माने अत्यधिक, ठीक है ना, निरंतर परम स्वाद अलौकिक आनंद जो है, तोष माने संतोष पैदा करता है, ठीक है, तो इस प्रकार उपजावे, संतोष उपजाता है, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, मन बानी को अगम, अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो, ठीक है, अब अगोचर माने इंद्रियों की गति से भी परे, तो मन बानी को अगम अगोचर, जहाँ पर पहुँचना उसको पाना भी कठिन है, ठीक है, सिर्फ मन में ही उसको समझा जा सकता है, जिस प्रकार गूंगा अपने मन में ही मीठे फल का स्वाद महसूस करता है, जो जानता है सिर्फ वही उसका फल का स्वाद पाता है, इसी प्रकार इनकी भी भक्ति जो करता है वही सिर्फ जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद, ये ऊपर वाले का है, जो जाने वो पावे, ठीक है, इसके आप भाई आप तो डिटेल पे लिखेंगे ना, जब अगर लिखेंगे निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को भी उसे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता, मन वाणी को आगम अगोचर, सो जाने वो पावे, ठीक है, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है, जो इंद्रियों से परे है इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है, उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है, उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है और ना कोई आकृति, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरलंबन कित धावे, ना तो उस निरंकार का कोई रूप है, ठीक है, ना कोई उसकी ना रूप रेख, ना कोई आकृति, ना कोई गुण है ना,
उसकी गुणों का ज्ञान है उसके कि कैसा दिखता है क्या है, जुगति ना तो उसकी कोई जो है सामने प्राप्त करने का कोई जुगाड़ आप बोल सकते हो, ठीक है, जुगत का मतलब, या उसकी आकार आकृति, बिन निरलंबन आलंबन किसको माने, बिन इन सब चीज़ों के आलंबन कित धावे, किस आलंबन की ओर दौड़ा जाए या किस ओर उनको प्राप्त करने के लिए जाया जाए जिससे हम प्राप्त कर सकें बिना किसी आधार, ठीक है, आधार आप बोल सकते हो, जुगत माने आधार, जुगत बिनु निरलंबन कित धावे, बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, ठीक है, कित धावे कहाँ भटकता रहेगा, कित इधर उधर उधर जाएगा, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना तो असंभव है, इसी कारण सब विधि अगम विचार ही ताते, उन्होंने जो सारी जो इसीलिए ताते माने इसीलिए जो है सभी प्रकार से विचार करने करके ही सूदास जी ने सगुण श्री कृष्ण के सब विधि आगम विचारें, सभी विधियों को जांचने के बाद तातय, ठीक है ना, इसलिए सूर सगुण पद गावें, सूर जो है वो सगुण के सगुण शाखा यानी श्री कृष्ण जो सब प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनके ही पद गाते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, इसे एक दो बार और सुनिए, अच्छे से समझिए, शब्दार्थ आपके सामने लिखे हुए हैं, व्याख्या भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। फिर आइए तीसरा पद करते हैं हम लोग, क्या है, किलकत कान घुटरोवनी आवत और मणिमय कनक नंद कय आंगन विम्ब पकरिबय धावत, समझ में आ रहा होगा आपको, किलकत कान घुटरोवनी आवत, जो कहना है वो किलकते हुए घुटनों के बल आते हैं, मणिमय कनक नंद कय आंगन विम्ब, पहले पूरा पढ़ देते हैं एक बार, फिर उसके बाद एक एक शब्द का क्लियर करेंगे ना, तो उससे एक बार आपको कॉन्फिडेंस दोबारा पढ़ने में भी आ जाएगा। विम्ब पकरिबय धावत कबहू निरखिय हरि आपऊँ छाको और कर सो परकन चाहत किलिकई हसत राजत द्वेदतियाँ पुनि पुनि तिह अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति और करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजति और बाल दशा सुख निरखी जसोधा और पुनि पुनि नंद बुलावती आंचरातर लय ढांकी सुर के प्रभु को दूध पियावती, ठीक है, तो आइए अब इसका हम लोग अर्थ क्लियर करते हैं, क्या होगा, कवि सूरदास जी क्या बोल रहे हैं, उनकी बचपन की कुछ वर्णन कर रहे हैं, उनकी कुछ झलक झलकियाँ आपको दिखाना चाहते हैं, वो उनका वर्णन है और इतना मनोहर वर्णन है कि बिल्कुल प्रत्यक्ष ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही हो रहा है। किलकत कान्ह घुटरोवनी आवत, कवि सूरदास जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की बाल मनोरथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं, किसके बल, घुटनों के बल न, और मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मणिकमय का मतलब हुआ मणि से युक्त जो उनका नंद भगवान का आंगन बना है उसमें, ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद भगवान के नंद जी के आंगन में मणि से जो है उसमें, विम्ब पकरिबय धावत, अपने विम्ब यानी प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं, ठीक है, घुटने के बल चल रहे हैं, नंद द्वारा बनाए गए जो मणियों से युक्त आंगन है उसमें जो है अपनी ही परछाई को देखकर श्री कृष्ण भागते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है। फिर है आगे आपका, किलकति हसत रजत द्वैदतियाँ और पुनि पुनि तिह अवगाहत, किलकई हसत रजत द्वैदतियाँ, दतियाँ माने होता है आपका जो किलकना माने तो खिलखिलाना, खिलखिला के हंसना, और दतियाँ छोटे छोटे दांत हो गए, दांत को दतियाँ बोल लिया गया, ठीक है, और पुनि माने बार बार होता है। इसके बाद तो कभी तो वो क्या करते हैं, अपनी परछाई को पकड़ते हैं, कभी तो अपनी परछाई को देख कर हंसने लगते हैं, किलकई हसत रजत द्वैदतियाँ, और कभी कभी वो हंसते हैं और उनके दो दांत दिखते हैं, पुनि पुनि तिह अवगाहत,
मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनित अवगाहत, वो बार बार निकलकर बाहर दिखने लगते हैं, हंसते हैं फिर पकड़ते हैं, हंसते हैं फिर पकड़ते हैं। तो किलकई हंसत राजत द्वैदतियाँ, जैसे जैसे वो हंसते हैं अपनी पकड़ने के लिए परछाई को और देखते हैं और फिर उनके दो दांत निकलते हैं, वो बार बार ढकते हैं फिर निकलते हैं, तो बड़ा ही सुंदर लगता है। कनक भूमि पर कर पग छाया, श्री कृष्ण के जो हाथ पैरों की छाया है उस पृथ्वी रूपी जो सोने के फर्श पर, ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, और करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठ की सजा साजती। ठीक है, कनक भूमि पर जो है आपका श्री कृष्ण के जो हाथ पैर की छाया बन रही है पृथ्वी पे, ठीक है, कनक माने आपका सोना, ठीक है, उस सोने से जो जड़ी हुई है उस पे पक की कर, कर माने होता है हाथ और पक की छाया जो है, या उपमा इक रजति राजति, कैसी है, राजत माने सुशोभित हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, वसुधा यानी कि पृथ्वी, ठीक है, और कमल बैठ की साजती, ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कमल के बैठक के लिए, मतलब कमल का बैठका सजा दिया गया हो उनके बैठने के लिए। बाल दशा सुख निखरई जसोधा, तो इसके बाद है कि जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं, क्या होती हैं, बहुत आनंदित होती हैं। बाल दशा सुख निरख जसोधा पुनि पुनि नंद बुलावें, बाल जो यशोदा जी हैं उनकी ये बाल दशा और लीलाओं को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती हैं और उन्हें बार बार बुलाती हैं। अचरा तर लय ढकाई, ठीक है, नंद जो है बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा क्या करती हैं, अचरा तल लय ढके, उनको अपने आंचल के नीचे ढक लेती हैं, ठीक है, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और फिर वो सूर्य के सूर जो सूरदास जी हैं उनके प्रभु यानी बाल श्री कृष्ण जी को क्या करने लगती हैं, दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पिछले वालों में पैराग्राफ में ये नहीं बताया, एक टॉपिक होता है काव्य सौंदर्य के तत्व की, यानी इसमें भाषा क्या है, अलंकार कौन सा है, रस क्या है, शैली क्या है, छंद क्या है, तो ये मैं आपको इसमें बता दूं कि इस जो मैंने अभी ये पैराग्राफ आपको ये थर्ड पद्यांश पढ़ाया, तो इसमें जो भाषा है आपकी, भाषा तो इसमें सभी में कॉमन होगी, कैसी है, जो है ब्रजभाषा है। शैली आपकी मुक्तक है, मुक्तक का मतलब होता है तुकबंदी के साथ अच्छे से लिखा गया, ठीक है, मुक्तक कोई भी भाव किसी भी तरीके से आप व्यक्त कर दीजिए वो मुक्तक हो जाते हैं। गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस जो है वो वात्सल्य है, छंद जो है वो कैसा है, गीतात्मक है यानी गीत की तरह, गाने की तरह, और शब्द शक्ति जो है इसमें लक्षणा है, ठीक है। और अलंकार में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको तीन चार अलंकार मिल जाएंगे, एक अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार कहाँ पर मिलेगा, और पुनरोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है, ये मुख्य दो तीन अलंकार इसमें ज़्यादा हैं। पुनरावृत्ति, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ पर बार बार जैसे पुनि पुनि, ठीक है ना, करी करी, तो इस जगह पर आपके ये बार बार यहाँ पर कौन सा पुनरोक्ति अलंकार है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, और पीछे वालों में भी मैं आपको बता दूं, इसमें आपका पद्यांश जो दो था इसमें भी इन्हीं रसों की, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, छंद जो है गायात्मक गीतात्मक ही है, शैली मुक्तक ही है, रस जो है वो भक्ति जिसमें भक्ति भाव है, ठीक है आपका, तो और भाषा सभी में साहित्यिक ब्रज भाषा ही है, ठीक है, तो ये दो चार चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आइए अब हम लोग चौथा पैराग्राफ, चौथा पद्यांश करते हैं। तो इस पद्यांश में क्या है, इस पद्यांश में आपका है, मैं अपनी सब गायें चरहं हूँ, प्रात होत बल कै संग जय हों, तेरे कहन रहे हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत,
और आज न सोवें नंद दुहाई और रैन रहोंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठो रहे हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो अब प्रात जान मैं दे हूँ। तो मैं अब क्या, आप देखिए श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं अपनी माँ से, थोड़ी सी जिद कर रहे हैं क्योंकि वो हैं तो अभी छोटे, बाकी सभी बड़े बच्चे उनके साथ के बड़े भाई और बलराम ये सभी लोग कहाँ जाते हैं, खेत पे ही कहिए या चारागाह कहिए गायों को चराने पर। तो क्या बोलते हैं वो अपनी यशोदा माँ से, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं भी अपनी गाँव बाल कृष्ण जो कृष्ण भगवान है अपनी बाल अवस्था में, वो अपनी माता यशोदा से हट करते हुए क्या कहते हैं कि हे माता मैं भी अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा, मैं अपनी सब गायें चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हों, बलराम भैया के साथ मैं सुबह होते ही प्रातःकाल होते ही जाऊंगा, और तुम्हारे कहे जो तेरे कहे न रहे हों तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा, बात नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर किनके जो सखा हैं मैं उनके साथ घुस जाऊंगा और मैं उनसे डरूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर ना ही लागत, मुझे डर नहीं लगता है, ठीक है, ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवें नंद दुहाई, आज न सोवें मैं नहीं आज सोऊंगा, नंद दुहाई नंद बाबा की मैं कसम खाता हूँ, रैन रहूंगो जागत मैं तो पूरी रात भर जागूंगा, रैन रहूंगो मतलब कल अगले दिन तक का सुबह जब तक होगा मैं जागता ही रहूंगा, ठीक है मैं सोऊंगा ही नहीं, रैन रहूंगो जागत पूरी रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गायें चरे हैं, अब ऐसा नहीं होगा माँ कि ग्वाल बाल गायें चराने जाएं और मैं घर बैठा रहूं, मैं घर बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो अब उनकी ये बात सुनकर माता यशोदा क्या कहती हैं, विश्वास दिलाते हुए कि हे पुत्र अब तुम सो जाओ, सूर्य श्याम सूर्य भगवान के जो श्याम थे तुम सोई रहे हो अब सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूं, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी, ठीक है। तो इसमें भी भाषा कैसी है, ब्रज है, गुण कैसा है, मधुर है, छंद आपका गाकर ही है, शैली मुक्तक ही है, रस है वात्सल्य, इसमें माँ का प्रेम दिखाया जा रहा है, तो रस कौन सा है वात्सल्य, ध्यान रखिएगा। अलंकार यहाँ पर रह नहीं रहूँगा तो रा रा दोबारा आ रहा है, ग्वाल बाल ठीक है ना, सूर श्याम तो रा सा दो बार रिपीट हो गया, एक ही अक्षर जब तो अनुप्रास अलंकार होता है, एक ही अगर बार बार आके आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अब इसके बाद हम लोग पांचवा करते हैं। मया हव न चरे हों गाई, इसके बाद है आपका मया हव न चरे हों गाई, मतलब क्या हुआ, श्री कृष्ण जी अपनी माता से कहते हैं कि अब मैं गायें नहीं चराने जाऊंगा, ठीक है। कुछ दिन चराने के बाद उनको कुछ समस्या हुई, फिर क्या बोले, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो और मेरे पाई पिराई, जो सारे ग्वाल हैं ठीक है वो मुझसे क्या करवाते हैं, सभी ग्वाल सिगरे ग्वाल सारे ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, घिरवावत मोसे मुझसे ही घिरवाते हैं, और मेरे पाए पिराई मेरे पैर दर्द होने लगते हैं, ज्यो ना पत्या ही पूछ बलिदाऊँ और अपनी सौ दिवाऊँ, ज्यो ना पत्या ही पूछ, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आपको बलदाऊ जी से पूछवाता हूँ, ठीक है। हे माता यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मैं अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछाता हूँ, अपनी सौ दिवाई ठीक है, अपनी कसम दिलाकर। यह सुनि माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई, यह सुनते ही जो मैया यशोदा थी वो ग्वालों को गाली देने लगीं, ठीक है ना, गाली का मतलब गुस्से में उनसे बोलने लगीं कि मेरे बच्चे को परेशान किया है, जैसे घर में सभी के आप तो जानते ही हैं, आपको कोई बच्चा परेशान करे तो आपकी मम्मी डांटेंगी कि नहीं डांटेंगी उसको। मैं पठावती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ ताकि वो अपना मन बहलाया है,
मैं पठावती अपने लड़िका को आवय मन पहराई। असूर श्याम मेरो अति बालक और मारत ताही रिंगाई। यस जब इन्होंने बोला क्रोधित होकर कि मैं तो अपने बच्चे को पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए और मेरे जो कृष्ण हैं अभी बहुत छोटे हैं ये ग्वाले इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। सूर श्याम मेरो मेरा ये छोटा सा जो सूरदास का श्याम है अति बालक अभी तो बहुत छोटा है मारता ही रिंगाई। रिंगाई माने इधर उधर चला के क्या उसे मार डालेंगे। ठीक है रिंगाई रेंगना ठीक है समस्या आपकी कोई नहीं होगी मेरे हिसाब से। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से बता सकूं। अगर कोई समस्या हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा मैं दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। आपके शब्दार्थ सामने लिखे हुए हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है भाषा शब्दावली मैंने आपको बता दी है और आगे चलिए आप 6 नंबर करते हैं हम लोग पद्यांश। ठीक है क्या है 6 नंबर पे सखी री मुरली लीजे चोरी और जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबने की तेरी तोरी छिन एक घर भीतर और निसी बासत बासर धरत न कबहू छोरी और कबहू कर और कबहू अधरनी और कटि कबहू खोसत जोरी और न जानो कछु मोली मोहिनी राख है आंग आंग भोरी सूरदास प्रभु को मन सजनी और बंधियों राग की डोरी। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहली लाइन थी आपकी क्या सखीरी मुरली लीजे चोरी। गोपियाँ जो हैं एक दूसरे से आपस में बात करते हुए कहती हैं हे सखियों कृष्ण जी की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। ठीक है सखीरी मुरली लीजे चोरी सखीरी मुरली लीजे चोरी और जिनी गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबनी की तेरी जो चुरा लेनी चाहिए। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर जो है अपने वश में कर लिया है। जिनी गोपाल किन्हें अपने बस जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है प्रीति सबनी की तोरी। ठीक है जो श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी गोपियों को भुला लिया है प्रीति सवन की तोरी छिन एक घर भीतर। देखो प्रीति सवन की तोरी तोरी माने छीन ली है। ठीक है हम लोगों की या तोड़ दिया है प्रीति सवन हम लोगों से जो प्रीत है उसको तोड़ दिया है तोड़कर तो छिन एक घर भीतर छिन इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोल रहे हैं वे घर के भीतर हों या बाहर छिन एक घर भीतर और निसिबासर धरत न कबहूँ छोरी को घर के अंदर हो चाहे बाहर हो कभी भी उसको नहीं हटाते हैं कहीं भी रखते नहीं हैं। वे घर के भीतर हों या बाहर कभी भी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते कभी हाथ में रखते हैं ना कबहूँ कर कर यानी हाथ में और कबहूँ अधरनी अधरन का मतलब ओठ। ठीक है क्या करते हैं कभी वो अपने हाथ में रखते हैं कभी अपने ओठ पर और कटी कबहूँ कभी कमर पर रख खोसते हैं जोरी है ना कमर में खोस लेते हैं जोर से कभी वो अपने हाथों में कभी अपने ओठों पर और कभी वो अपनी कमर पर खोस लेते हैं। न जानो कछु मेली मोहिनी और राखे अंग अंग भोरी ना जाने ठीक है समझ में नहीं आ रहा ना जाने मतलब नहीं ना जानो कछु मेली मोहिनी कि ना जाने जो है समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली में कौन सी मोहिनी मंत्र जो है श्री कृष्ण पर चला दिया है। ना जानो कछु मोली मोहिनी मेली मोहिनी कौन सी जो है मोहिनी मंत्र जो है उसने चला दिया है जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से जो है उनका अंग अंग जो है उसके प्रति समर्पित है श्री कृष्ण जो है पूर्ण रूप से उसके वश में हो गए हैं। ठीक है सूरदास प्रभु को मन सजनी और बांधियों राग की डोरी। सूरदास जी क्या कहते हैं सूरदास प्रभु को मन सजनी कि
कि गोपियों कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बंधे और राग की डोरी, क्या किया है भगवान श्री कृष्ण को जो है प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है या वश में कर लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला करते हैं, सातवां पद्यांश है, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, और प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, और माखन रोटी देव सजय हों अति हित साथ खवावत, और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, और सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसे ओ हित जात जात। क्या मतलब हुआ इसका, इसका अर्थ हुआ कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहीं। उद्धव, अब देखिए ये बात का वर्णन है जब श्री कृष्ण जी आपके चले जाते हैं तो वहाँ से उद्धव जी संदेश लेके आते हैं गोपियों के पास, तो उस समय गोपियाँ उद्धव जी से कुछ कह रही हैं, उस समय का वर्णन है ये। तो ठीक है, मथुरा में जब पहुँचते हैं श्री कृष्ण को तो वहाँ की सारी स्थितियाँ बताई जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए थे, वो उद्धव के समय में। ठीक है, सॉरी, जो उद्धव जी हैं वो श्री कृष्ण को मथुरा पहुँचने पर बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या बोला उन्होंने, वो कहते हैं उद्धव जी श्री कृष्ण से, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहीं, उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास, सॉरी मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूँ इसमें, देखिए कन्फ्यूजन है, जो ये कब का वर्णन है, जो इस पद्य में वर्णन सूरदास जी ने किया है, तो ये कृष्ण जी की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कुछ बता रहे हैं उसका वर्णन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या है, श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहीं, जो ब्रज है वो मुझसे विसरता यानी मुझसे भूलता नहीं, मैं भूल नहीं पाता हूँ, सबको भूलने का तो प्रयास करता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। जो वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, सघन कुंज की छाही, वहाँ के जो कुंजों की घनी छाँव है, ठीक है, जो है वो भी मुझसे भुलाई नहीं भूलती है, मैं नहीं भुला पाता हूँ। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, जो प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते थे, खुश होते थे, अत्यंत खुशी का जो अनुभव करते थे, ये सब मुझसे नहीं भूल पा रहा है। ठीक है, और वो भी रह रहकर स्मरण हो ही जाता है, मुझे याद आ ही जाती है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ऊपर छूट गया एक लाइन, ये देखत सुख पावत और माखन रोटी देहों सजाए, माता यशोदा जो थी तो वो क्या करती थी, मुझे मक्खन की रोटी और दही बड़े प्रेम से देती थी, देहों सजायो जो दही देती थी, अति हित साथ खवावत, और बड़े हित के साथ खिलाया करती थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आता है कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते खेलते ही पूरा व्यतीत होता था, सब दिन हंसत सिरात, सिरात माने व्यतीत होना, ठीक है ना, बीत जाना, हसत विरात, और सूरदास धन धनि ब्रजवासी, जिनसों हित जात जात। धन क्योंकि श्री कृष्ण जो स्वयं हैं उनके हित की चिंता करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितासी और कोई मिल सकता है, ठीक है, इसलिए जो है धन हैं सारी ब्रजवासी, सूरदास जी कह रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें उनको बहुत याद आती हैं, और सूरदास जी क्या कहते हैं कि ब्रजवासी जो हैं धन हैं, सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास तो धन हैं ही, इसके साथ ब्रजवासी भी हैं, जिनसो हित जात जात, जिनसे जो है
जादूजात यानी ये जो श्री कृष्ण है जिनका हित जो है इन श्री कृष्ण जी से जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला करते हैं, सातवां आपका आठवां नंबर है, ऊधव मनना भय दास 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग, ऊधव मनना भय 10-20। ठीक है, अब ये कब का वर्णन है, तो इसमें जब श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनके याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया इसमें। ठीक है, श्री कृष्ण जी जो है उद्धव की जो गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर जब ब्रज में पहुंचते हैं, लेकिन गोपियां उस संदेश को स्वीकार करने में जो है स्वयं को असमर्थ बताती हैं, कहती हैं मैं इसको नहीं मानूंगी, क्योंकि जो है श्री कृष्ण को छोड़कर किसी भी अन्य की उपासना नहीं कर सकती हैं, उनके मन में कौन बसे हैं, श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं, उस समय का ये वर्णन है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या बोलती हैं उद्धव जी से गोपियाँ, क्या कहती हैं श्री कृष्ण के विषय में। उद्धव मन ना भय 10-20 जो गोपियों ने कहा, उद्धव जी कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हमारे 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, एक हुतो सो गयो श्याम संग, वो भी श्याम सुंदर यानी भगवान कृष्ण के साथ चला गया, को औराधे ईस, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रज की आराधना करें, को औराधे ईस, अब कैसे हम दूसरे ईस की तुम्हारी जो अवधारणा है उसके अनुसार मैं करूं, इंद्री शिथिल भई केशो बिनु, केशो यानी भगवान जो कृष्ण थे उनके बिना मेरी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, ज्यों देवी बिन शीश, जैसे बिना सर के जो होता है बिना जान का शरीर होता है। ठीक है, अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं, जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है फिर आशा लाग राहत तन स्वासा और जीव ही कोटि बरीस, हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं, जिनके लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है, आशा लगई राहत तन श्वास, इस आशा के साथ चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य जो है लौटेंगे, जीव ही कोटि बरीस, ठीक है कि जरूर जो है वो लौटकर आएंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, जीव ही कोटि बरीस, हम करोड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप व्याख्या करेंगे तो थोड़ा आपको अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा, वर्णन थोड़ा करना होता है, पद्यांश में आपको शब्दार्थ नहीं आपको व्याख्या करनी होती है, तुम तो सखा श्याम सुदर के सकल जोग के ईस, असुर हमारे नंद बिनु और नहीं जगदीश, तुम तो सखा श्याम सुदर के जो है क्या बोलती हैं वो कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता भी हो, अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो, तुम तो सखा श्याम सुदर के सकल योग के ईस, तुम ही जो है योग कराने के यानी मिलाने के ईश्वर यानी भगवान बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम घनिष्ठ मित्र हो श्याम सुंदर के, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, ठीक है सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, कि जो है नंद जी के नंदन यानी नंद जी के जो नंद यानी भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं उनको छोड़कर हमारा कोई दूसरा ईश यानी ईश्वर आराध्य जिसकी हम करते हों और कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका नौवां नंबर, उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने, उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने और श्याम तुम्हें हो हुई हैं कौ नहीं पठे हों, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह रही हैं गोपी जी, गोपियां कह मतलब उद्धव जी से कहती हैं कि तुम यहां से वापस चले जाओ। ठीक है, उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने
और श्याम तुम्ही हो यहाँ को ना ही पठयो, तुम हो बीच भुलाने कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। उद्धव जाए तुम्हें हम जाने, हम अच्छे से उद्धव जानते हैं। श्याम तुम्हें हुई हो को नहीं पठाए हो, तुम्हें श्याम ने नहीं पठाया है। तुम हैं हो बीच भुलाने, तुम जो है बीच यानी रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो और बात कहत ना लजाने, और जो है ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो और तुम्हें लज्जा नहीं आती है। तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, पड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। ठीक है, तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, और हम सो कहीं लई हम सही कहे, और जिय गुण ले सयाने, कहे अबला कहे दशा दिगंबर, और मष्ट करें पहचाने। हम सो कहीं लई हम सही कहे, और जिय गुण ले सयाने, तो कहे 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 अबला कह दशा दिगंबर, और मष्ट करो पहचाने। परंतु हमें ऐसा है, तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बात हमसे क्यों करते हो। हम सो कही लई हम सही कहे, तुम ये मन में विचार कर लो, जो हमसे कह दिया ब्रज में किसी अन्य से ना कहना, हमने तो सह लिया। हम सो कह लई और हम सही कहे, जिय गुण ले उसयाने, और कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। तो ऐसी बात ना कहना, हमें तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। कहाँ योग की दिगंबर अवस्था, ठीक है, और कहाँ हम अबला नारियाँ। योग की दिगंबर यानी वस्त्रहीन अवस्था, और कहाँ हम अबला नारियाँ। अतः हम अब चुप, तुम चुप हो जाओ, ठीक है ना, मष्ट करो पहचाने। सांच कहो तुमको अपनी, यहाँ तक तो हो गया ना, अब तुम चुप हो जाओ, और जो भी कहना सोच समझ कर कहना, ठीक है। अब फिर उसके बाद कहती हैं, सांच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम सब तुम ही पठायो, तब नैको मुस्कुराने मुस्काने। अब तुम सच सच बतलाओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था। सांच कहो तुमको अपनी सौ, मेरी सौगंध है सही सही बोलना। बूझती बात निदाने कि वह क्या थोड़ा सा बताना, जब श्री कृष्ण ने यहाँ तुम्हें भेजा था। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, जब सूर्य श्याम ने तुम्हें यहाँ पठाया, तब तनकय मुस्काने, क्या वो जरा सा भी मुस्काए थे। ठीक है, सही सही बताना। सांच कहो तुमको अपनी सौ, मैं अपनी सौगंध देती हूँ, सही बोलना। बूझत जो मैं बात बता रही हूँ उसका निदान करना, बूझत ही बात निदान है। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठावो, क्या जब सूर्य है, सूर्य के श्याम जो हैं उन्होंने पठाया, तब नेको मुस्कुराने, क्या वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग, फिर दसवां नंबर, निर्गुण कौन देश को बासी। ठीक है, निर्गुण कौन देश को बासी, ये कब का वर्णन है। ये भी जो है जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मनन किया जा रहा था। ठीक है, इसमें जब गोपियों को कर रही थी उसी समय का वर्णन है ये। तो इसमें क्या बोला, जो उद्धव से क्या कहती हैं गोपियां, जो है भ्रमर की अन्योक्ति से जो है उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को बासी, जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश में निवास करता है। हम तुमको मधुकर कहीं समझाएं सह दें, बूझति सांच न हासी। ठीक है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश में निवास करता है। हम तो तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बूझति सच न हासी, हम तो तुमसे सच पूछ रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम यहाँ बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है, को है जनक कौन है जननी, कौन इसकी माता है और कौन इसका पिता है, और कौन नारी को दासी। ठीक है,
इसकी माता कौन है और इसका पिता कौन है, कौन पत्नी और कौन उसकी दासी है, कैसो बरन भेष है कैसो की है रस मैं अभिलाषी। कैसो बरन, ठीक है, बरन का मतलब क्या होता है आपका, अगर एग्जैक्ट बरन बोलें तो बरन का मतलब रंग, कैसो रंग, कैसा उसका बरन यानी रंग है, और भेष यानी उसका आकार कैसा है, भेष है कैसो, कैसो भेष है, की ही रस मैं अभिलाषी, ठीक है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसे किस रस से अधिक लगाव है, कैसी की ही रस मैं अभिलाषी, उसमें कैसा रस का जो है आकर्षण है। पावै गोपुन क्यों अपनों आपनों जोरे करायोंगो गासी, जो है गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई क्या कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना, यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे, ठीक है, पावोगे पुण्य क्यों अपायणों जोरे कयोंग गासी, सुनत मौन होय रहो बौरो और सूर सबय मति नासी, ठीक है। गोपियाँ ने जो है इतने व्यंग्यात्मक तर्क से जो है सुनकर उधर ठगे से हो गए और उनका जो सारा विवेक था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया था, तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से जो ज्ञानी उद्धव हैं उनको परास्त कर दिया, इस तरीके से उन्होंने चर्चा की थी। अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान जो था वो अनपढ़ गोपियों के सामने क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। सुनत मौन, बिल्कुल मौन होकर सुन रहे थे, रहो बोरे और बोरे हो गए थे, बिल्कुल जो बोल ही ना सके। सूर सबय मति नासी, जो सूर सबय, सूर के जो सबय जो है वो सारी उनकी मत क्या हो गई थी, नाश हो गई थी, यानी विवेक जो था उनका समाप्त हो गया था। पावैगो, पावैगो का मतलब क्या होगा, बौरो माने तो पागल हो गया, पावको मतलब पाओगे, है ना। पुनि कियो आपनों, जो है अगर तुम गलत मेरे साथ छल कपट करोगे तो तुम भी क्या करोगे, इसका फल पाओगे। और ये सब कहते हुए जब उन्होंने वर्णन किया और तर्क और सारे दिए तो उद्धव जी बिल्कुल शांत हो गए और उनको कुछ भी नहीं सूझा, जैसे उनका विवेक नष्ट हो गया हो। फिर नेक्स्ट है अगला आपका 11वां नंबर पद, क्या है, सदेशो देविकी सो कहो हों तो धाई तिराए सुत की मया करत ही रहे हों। क्या उन्होंने कहा गोपियों ने, ठीक है, जो मथुरा में चले जाने के बाद माता यशोदा के इसने तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किया है, ठीक है, जब भैया यहाँ से माता जी ने, यशोदा जी ने अपने कन्हैया के लिए जो बात कही तो वो अब मथुरा में जब चले गए उद्धव जी वहाँ पे वर्णन हो रहा है, तब के लिए कहा गया कि यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं। अच्छा ये उद्धव जी नहीं, दूसरे एक कोई राहगीर है उसके लिए है, ठीक है, याद रखिएगा कि संदेशों देवकी सो कहों, ठीक है, संदेशों देवकी सो कहों हो तो धाई तिहारे सुत की और मया करत ही रहे हों। यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाती हुई कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा, ठीक है, तो धाई तिराय सुत की, मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ, धाय माता वो होती जो पालन पोषण करती है, मैया करत ही रहे हों, वो मैया ही करता रहा यानी पुकारता रहा, इसलिए है ना, जदीप तेव तुम जानती उनकी तव मोहि कही आवे और प्रात होते मेरे लाल लाते और माखन रोटी भावे, इसलिए मेरे उसके प्रति वात्सल्य यानी भाव जो स्वाभाविक है, यानी जो उससे साथ लगाव है तो स्वाभाविक ही है क्योंकि वो बचपन से मुझे मैया मैया कहता रहा है, यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानती होंगी फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है, यानी कहना चाहता है, उदपिते वो तुम जानते, तुम तो सब जानती होगी, तव मोहि कही आवे, फिर भी मुझे कहना आ रहा है कुछ, प्रात होत मेरा लाल लाते, जैसे ही सुबह होती थी मेरा जो लाल था वो लाल करता था, प्यार करता था, माखन रोटी भावे, उसको जो है माखन रोटी अच्छी लगती थी, मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत थी, है ना, यह है। और फिर क्या है, तेल उबटनों अरि तातो जल, तातो माने थोड़ा गर्म गुनगुना जल, और तेल उबटन जो है तेल लगाना, मालिश करना, उबटन है ना, उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही जो है क्या करते थे, ताही देख ही भाज जाते, उसको देखकर वो भाग जाते थे, ठीक है,
उन्हें यह सब जो है पसंद नहीं था, उपटन लगवाना, मालिश करवाना, है ना, गर्म जल को देखकर। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो वो मांगते थे वो मैं देती थी। क्रम क्रम करी कहे नहाते, क्रम क्रम करी के नहाते। अब क्रम क्रम का मतलब इस समय वो जो मांगा करते थे वो उनको दे दिया जाता था। फिर वह धीरे धीरे स्नान करते थे, क्रम क्रम का मतलब धीरे धीरे स्नान करते करने की आदत थी। और फिर क्या कहते हैं, सूर पथिक सुन मोही रैन दिन, जो सूर बोले पथिक सुन मोही रैन दिन, कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती है, रैन दिन रात दिन, बढ़े और राहत उर सोच, बढ़े और राहत उर सोच, उनका जो यही चिंता उनको सताती रहती है, बढ़ती ही रहती है कि मेरो अलक लड़ता मोहन हुई है करत संकोच। जो है मेरा मोहन है, लाडला मोहन प्यारा बेटा, ये जो है हमेशा संकोच ही करता रहता होगा। जो अलक लड़ौता का मतलब ये प्यारा दुलारा, ठीक है, जो मोहन मतलब आकर्षण करने वाले, यानी भगवान श्री कृष्ण हुई है करत संकोच, जरूर संकोच करते होंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए, मैंने आपको सारे पद पढ़ा दिए, ठीक है, तो इसे आप अच्छे से सीखिए और इन्हें दोहराइए कई बार आप।